हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप IIT जेम या किसी भी और यूनिवर्सिटी में MSc मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल को एक बार जरूर देखना चाहिए। और साथ ही BSc या MSc की मैथमेटिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन या कोई भी मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर्स में, ये हम इसमें पढ़ रहे हैं। अब फर्स्ट ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द वैल्यू ऑफ रोन स्केल ऑफ टू सॉल्यूशन F1 एंड F2 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन a0d2y/dx + a1dy/dx + a2y = 0। यानी हमारे पास ये दो सॉल्यूशन है, तब उस कंडीशन में हमारे पास इसका रोन्सकेन क्या होगा ये निकालना है। तो अगर सॉल्यूशन है हमारे पास ये दिए हुए हैं, तो अगर हम देखें तो हमारे पास चूंकि ये दोनों जो है सॉल्यूशन है, और रोन्सकेन जो डिफाइन होता है वो होता है हमारे पास सिंपली F1x, F2x, F1-x, F2-x, ये हो गया। अरे फ्रेंड्स, इसका हम डेरिवेटिव निकालना चाहें तो डेरिवेटिव किस तरह से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा W-, बेसिकली जब रोज़ के पूछा जाता है हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, बट हम एक ऐसा फॉर्मूला जनरेट करेंगे इस क्वेश्चन की हेल्प से कि उस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करें और रोन्सकेन के जो डिटरमिनेंट है वो निकालना ना पड़े हमें। हमारे पास सपोज अगर W-x निकालना चाहे तो W-x क्या होगा, बेसिकली इसमें जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो दोनों टर्म का अलग अलग होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पहले होगा F1-x, F2-x, F1-x इसको सेम रखेंगे नीचे वाले रो को, ये हो गया प्लस इस बार फर्स्ट वाले रो को छोड़ेंगे F1x, F2x और इसे करेंगे तो ये हो जाएगा F1-x और F2-x, ये हो गया हमारे पास। अब ये टर्म जो है क्योंकि दोनों रो सेम है जीरो हो जाएगी, तो यहां से हमारे पास रोन्सकेन का डेरिवेटिव क्या हुआ, ये हुआ F1x, F2x, F1-x एंड F2-x, ये हमारे पास रोन्सकेन का डेरिवेटिव हुआ फ्रेंड्स। अब चूंकि हमारे पास ये जो F1 और F2 जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो यानी F1 और F2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो यहां से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास a0f(x) + a1f(x) + a2 = 0 एंड यहां से हमारे पास a0f(x) f2, ये तो F1 की बात हुई हमारी, F1 and F2-x + a1f(x) + a2 = 0 और यहाँ साथ में F भी आएगा F1 and F2। अब फिर यहां से अगर हमें वैल्यू निकाली F1-x and F2-x, तो F1-x की वैल्यू जो आएगी वो सिंपली यहां पर पुट करनी है, तो हमारे पास यहां से W-x बराबर आ जाएगा, अगर ये तो हमारे पास F1x है। अब F1-x की वैल्यू अगर यहां से पुट करना चाहे तो इस टर्म को हम पहले इन टर्म को ले जाएंगे तो माइनस के साइन के साथ ले जाएगा और ए जीरो का डिवाइड होगा तो -1/a0 और ये टर्म जो है उधर से ले जाएगी, तो ये हो गया हमारे पास a1f(x) + a2f(x), ये हो गया हमारे पास। अब से इसी तरह से अगर हम यहां से ये f1x, ये तो हमारे पास f1 की वैल्यू यहां से, अब अगर हम f2 की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो f2x, f2 की वैल्यू यहां से इस क्वेश्चन से निकालना चाहें तो यहां से जब ये वैल्यू इधर जाएंगी तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/a0 एंड a1
एफ डैश एक्स प्लस ए टू एफ एक्स, ये हो गया हमारे पास रोनस्केन का डेरिवेटिव। अब फ्रेंड्स इसको हम अलग अलग फॉर्म में लिखना चाहें डब्ल्यू डैश एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ वन एक्स और इसके साथ सिंपली ये टर्म माइनस ए वन अपॉन ए जीरो एफ डैश एक्स एंड एफ टू एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ए टू अपॉन ए जीरो एफ वन एक्स। सॉरी यहां पे अगर यहां से लेंगे तो यहां से ए वन वाली टर्म सीधा ये हो जाएगा, ये हो गया प्लस। और अब इस टर्म की बात करें हम तो ये हो जाएगा एफ एफ टू एक्स सॉरी एफ वन एक्स एंड एफ टू एक्स एंड ये दोनों। अब ये वाले टर्म हमारे पास यहाँ पे लगाए हमने तो ये हो जाएगा माइनस ए टू अपॉन ए जीरो एफ वन एक्स एंड माइनस ए वन अपॉन ए जीरो एफ टू एक्स सॉरी ए टू यहाँ पे। ये बेसिकली हमने जो इसमें फॉर्मूला लगाया है वो लगाया है ए बी सी प्लस डी ई प्लस एफ ओ। तो हमारे पास मैट्रिक्स में जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो होती है ए सी बी ई प्लस ए डी एंड बी एफ, यानी ये कंडीशन जो है हमारे पास सेटिस्फाई होती है। इस फॉर्मूले के ऑप्शन में इसको खोला है तो ये हो जाएगा हमारे पास फ्रेंड्स। अगर हम चाहें तो इसमें से माइनस ए वन अपॉन ए जीरो फर्स्ट इस रो में से कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया हमारे पास W डैश एक्स, ये कॉमन लिया हमने माइनस ए वन अपॉन ए जीरो तो ये आ जाएगा माइनस ए वन अपॉन ए जीरो, पूरे इस रो में से कौन कॉमन ले लिया हमारे पास, तो ये हो जाएगा एफ वन एक्स एंड एफ टू एक्स एंड ये हो जाएगा हमारे पास एफ वन डैश एक्स और ये एफ टू डैश एक्स आएगा एफ टू डैश एक्स, ये हो गया हमारे पास ये वाली टर्म से, ये एफ टू वाली टर्म है ये वाली टर्म है, ये हो गया हमारे पास प्लस। अगर इसमें से हम देखा जाए तो इसमें हम ए टू अपॉन ए जीरो कॉमन लें ए टू अपॉन ए जीरो, तो हमारे पास माइनस का ए टू अपॉन ए जीरो कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा एफ वन एक्स एफ टू एक्स और ये एफ वन एक्स एफ टू एक्स। तो फ्रेंड्स ये टर्म जो है ये यहाँ पे हमारे पास ये रो दोनों सेम है तो ये तो जीरो हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या ही है और ये क्या है हमारे पास, ये बेसिकली रोनस्केन है, ये रोनस्केन है तो हमारे पास यहां से हमारे पास आ गया डब्ल्यू डैश एक्स बराबर माइनस ए वन अपॉन ए जीरो डब्ल्यू एक्स, ये आ गया। तो अब यहां से हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या है डब्ल्यू डैश एक्स को क्या लिख सकते हैं डी डब्ल्यू एक्स अपॉन डी एक्स और ये है हमारे पास इक्वल टू माइनस ए वन अपॉन ए जीरो डब्ल्यू एक्स। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू एक्स को ले जाएंगे तो वन अपॉन डब्ल्यू एक्स ऑफ डी ऑफ डब्ल्यू एक्स इक्वल टू माइनस ए वन अपॉन ए जीरो एंड डी एक्स, ये हो गया हमारे पास। अब इंटीग्रेशन कर दे तो इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास इंटीग्रेशन करने पे आ जाएगा लॉग डब्ल्यू एक्स इक्वल टू माइनस ए वन अपॉन ए जीरो एंड एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब अगर हम डब्ल्यू एक्स यहां पे अब सपोज लेट एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स जीरो या एक्स इक्वल टू जीरो ले रहे हैं, एक्स इक्वल टू जीरो पे डब्ल्यू बराबर जो है डब्ल्यू एक्स जीरो डब्ल्यू एक्स बराबर जो है वो डब्ल्यू एक्स जीरो है, यानी हमारे पास एक्स बराबर एक्स जीरो पे
रोम स्कैन है उसका वो WX0 या कोई कॉन्स्टेंट है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जब इस वैल्यू पुट करेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स बराबर जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे ये टर्म जीरो हो जाएगी और सी बराबर लॉग WX0 ये हो जाएगा। तो ये सी की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं और सी को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग WX0 माइनस लॉग, क्योंकि इसको हम इधर लाए तो ये टर्म जो जाएगी इधर टर्म जाएगी तो माइनस लॉग WX0 इक्वल टू माइनस ए वन अपॉन ए जीरो एक्स ये हो गया। तो यहां से ये हो गया हमारे पास W, ये तो WX है, WX अपॉन WX0 इक्वल टू माइनस ए वन अपॉन ए एक्स ए वन अपॉन ए जीरो एक्स और लॉग, ये लॉग में है, लॉग एम माइनस लॉग एन की फॉर्मूला लगा दिया। अब यहां से अगर हम चाहे तो एंटी लॉग लेके एंटी लॉग ले रहे तो एंटी लॉग लेने पे हमारे पास आ जाएगा WX अपॉन WX0 इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए वन अपॉन ए जीरो एक्स ये हो गया। या यहां से इसको लिख सकते हैं WX बराबर WX0 ई टू द पावर माइनस ए वन अपॉन ए जीरो एक्स। तो फ्रेंड्स यहां से रोन्सकेल को हम डायरेक्टली इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास ए वन और ए टू की वैल्यू दी हुई हो, सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ हो और अगर रोन्सकेल की कुछ एक इनिशियल कंडीशन दी हुई हो कि एक्स बराबर जीरो पे ये वैल्यू है, तो उस कंडीशन में रोन्सकेल किस तरह से हम निकालेंगे, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल ले रहे हैं हमारे पास ये है y" + y = 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास फ्रेंड्स, और हमारे पास दिया हुआ है कि इसका जो कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, तो उसका जो रोन्सकेन है x = x0 पे उसके जो जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो x = x0 पे ये हमारे पास 1 है, x = x0 है या x = 0 पे WX0 बराबर 1 है, तो उस कंडीशन हमारे पास ये निकालना है हमें। तो यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें तो WX फंक्शन बराबर जो हो जाएगा WX0, ये तो हमारे पास सिंपली 1 है WX0 की वैल्यू, तो और ये होगा e टू दी पावर माइनस ए वन अपॉन ए जीरो। तो ए वन अपॉन ए जीरो की वैल्यू देखना चाहे तो यहां से A1 क्या है, A1 यहाँ पे 0 है क्योंकि यहाँ पे y से कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो ये हमारे पास और यहाँ पे x है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 0x यानी कि 1, तो इसका रोन्सकेन जो है वो 1 ही है। अगर सपोज यहाँ y डैश होता तो उस कंडीशन में हमारे पास इसका रोन्सकेन जो होता वो W@x0 पे जो वैल्यू होती वो जो इनिशियल कंडीशन होती, और साथ में हमारे पास जो यहाँ से e टू द पावर A1 अपॉन A0 यानी A1 क्या होता है यहाँ पे 1 है, सॉरी A1 1 होता है और A2 क्या A0 क्या होता है A0 भी 1 होता, तो e टू दी पावर x ये इसका रोन्सकेन आ जाता अगर यहाँ पे डैश होता। तो इस तरह से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसके सॉल्यूशन नहीं दिए हुए हो बस एक इनिशियल कंडीशन दी हुई हो उसके भी आप रोन्सकेन निकाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।